100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। यूपी के बांदा में कई जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जिसमें अन्य प्रांतों से आए मजदूरों को रखा गया था, जिनको आज 14 दिन का समय पूरा होने पर स्थानीय अधिकारियों के द्वारा उनके अपने घर रोडवेज बस के द्वारा भेज दिया गया। मामला बबेरू कस्बे का है, जहां पर जेपी शर्मा इंटर कॉलेज में 18 मजदूर और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 77 मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया था, जिसमें अन्य प्रांतों से आए मजदूरों को 14 दिन के रिमांड पर रखा गया था। बता दें, क्वारंटाइन किए गए सभी मजदूरों का मेडिकल चेकअप कराकर इनको इनके घर भेज दिया गया। मेरा नाम सुरेश कुमार है। कहाँ से आए? मैं गुजरात से आया था और मेरे साथ बहुत सारे लोग आए थे, सब अदर अदर ब्रांच से आए थे। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमें थोड़ा अजीब सा लगा था, ऐसे कैद खाने की तरफ लगे, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन था उन्होंने हमारी बहुत ही अच्छी मदद की और घर की तरह अपनी फैमिली मेम्बर की तरह रखा। सारी हमारी सेवाएँ उपलब्ध कराई गई, और यहाँ तक कि बेड, खाने से नाश्ते तक के लेकर, और मच्छर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मॉस्किटो हिट भी दिया था हम लोगों को। हमारी हर बात सुनते थे, अगर कुछ भी बोले, हमें कुछ भी रिक्वायरमेंट रहता था तो वो लोग प्रोवाइड कराते थे। यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा था, हमारी हर बात सुनते थे। आज आप 14 दिन, आज हम जा रहे हैं, हमारा आज रिलीजिंग डेट है, लास्ट डेट था हमारा क्वारंटाइन का, लास्ट डेट था। और जाते जाते हम लोगों को सुविधाएँ भी दी और सर्टिफिकेट के साथ, क्वारंटाइन सर्टिफिकेट के साथ, प्रमाण पत्र के साथ हमको भेजा जा रहा है, और खाने के लिए और नाश्ता भी दिया था उन्होंने। आज जी आईसी से और जेपी शर्मा इंटर कॉलेज बबेरू में जो लोग रखे गए थे बाहर से आने वाले लोगों को, उनको आज छोड़ा जा रहा है। 77 लोग यहाँ हैं GGIC में और 18 लोग वहाँ जेपी शर्मा में हैं, तो उनको आज छोड़ा जा रहा है। 14 दिन हो गया उनको, तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया है, उनको प्रमाण पत्र दे दिया गया कि 14 दिन तक उनको रखा गया, स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। अब वो अपने घर जाएंगे, घर में उनको निर्देशित कर दिया गया है कि अपना समुचित दूरी, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका ध्यान रखते हुए अपने घर में रहेंगे। साधन से जिलाधिकारी महोदय की तरफ से 2 बसें आई हैं, उनके माध्यम से इन लोगों को भेजा जा रहा है। कुछ लोगों के पास में अपना पर्सनल साधन, जैसे बाइक है, किसी के पास साइकिल है, तो वो लोग अपने साधन से चले जा रहे हैं।